नमस्कार दोस्तों, आज है हमारी बेली फैट रिड्यूस करने का डे 9। इससे पहले के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट जंपिंग जैक्स। यहाँ पे आपको, अगर आप बिगनर है तो आप इसको 30 सेकंड्स तक करेगा, और अगर आप इसको 4-5 दिन से ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसको 60 सेकेंड्स तक करिएगा। सो डू दी जंपिंग जैक्स। जितने पैर खोल सकते उतने पैर खोलिए, और ऊपर तालियाँ जो हैं वो बजाने की कोशिश कीजिए, एंड डू इट विद स्पीड। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाई स्टेपिंग्स। जितने पैरों को ऊपर उठा सकते उतना उठाकर आपको यहाँ पे भागना है, और कोशिश करनी है कि आपके पैर जो है जितना आप लिफ्ट कर सकते उतना उनको लिफ्ट करना है, अपनी छाती से लगाने की कोशिश करनी है पैरों को, और इस प्रकार आपको यहाँ पे रनिंग करनी है। आप इसको 60 सेकंड्स कर सकते हैं, तो अगर 60 सेकंड्स कीजिए, अगर आपकी ब्रीथिंग जो होती है वो फूल जाती है आपकी सांसें, तो आप इसको 30 से 40 सेकंड तक करने की कोशिश कीजिए। ये जो टाइमर है ये आपके लिए है, ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके इसको प्रैक्टिस कर सके, तो लगातार आप इसको करते जाइए। जितना जल्दी भाग सकते जितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जितना पैरों को ऊपर लिफ्ट कर सकते उतना लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी कमर का वज़न बहुत जल्दी घट जाएगा, और साथ में आपके लेग्स और थाइस के लिए भी है ये एक्सरसाइज, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा थाइस का। 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडिंग बाईसाइकिल क्रंचेस। जहाँ पे आपको अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को इस प्रकार यहाँ पे इसको लगाना है। हैंड को आप थोड़ा सा साइड में ले जाने की कोशिश कीजिए, और लेग को ऊपर टच करवाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी कमर पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा, आपकी लेग्स का भी वेट लॉस होगा। एंड डू दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज क्रॉस आर्म क्रंचेस। इसमें आपको अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी छाती पर लगाना है, और अपनी जो है पीछे की कमर से आपको उठना है, पैरों को पीछे खोल लेना है। यहाँ पे आपकी कमर पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा, और इससे आपका बेली फैट रिड्यूस होगा। तो इसको आपको 60 सेकंड्स करना है। इसको आप 60 सेकंड्स आराम से कर सकते हैं, और ये जो है जल्दी से वज़न भी घटाता है। सो डू दिस फॉर 60 सेकेंड्स। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपरमैन, जहाँ पे आपने अपने पैरों को लेग्स को दोनों को एक साथ उठाना है। सो डू दिस फॉर द 60 सेकंड्स। अगर आप 60 सेकंड्स नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप इसको 30 सेकंड तो ज़रूर करें। अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक लगातार इसको कीजिएगा। फाइव फोर थ्री टू वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज रिवर्स क्रंचेस। इसमें आपको अपने पैरों को आगे की तरफ इस प्रकार करना है, अपने सिर पर लगाना है, और हाथों को भी आगे लेके जाना है। इससे आपकी कमर पे स्ट्रेच आना चाहिए, और साथ में आपकी गर्दन पे भी,
और लेग्स पे भी आपका थाइस की तरफ यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, तभी आपकी ये वेट लॉस में हेल्पफुल होगी। सो डू दिस फॉर 60 seconds। फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग रेज। इसमें आपको अपने पैरों को जितना ऊपर हो सकते हैं 90 degree के एंगल पर उठाना है। इसको लगातार आपको जितनी देर आप प्रैक्टिस कर सकते उतनी देर कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे उतना टाइम आप इस पर दे पाएंगे। थ्री टू वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज रोप स्किपिंग। जहाँ पे आप जैसे कि आप किसी भी रोप को ही आप कर लेके आप स्किपिंग करते हैं, उसी प्रकार आपको अपने हाथों को अज्यूम करके कि आपने एक रस्सी पकड़ रखी है और इस प्रकार आपको यहाँ पे जंपिंग करनी है। तो इसको भी लगातार आप जितनी देर को कर सकते उतनी देर कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैंडिंग बाइसाइकिल क्रंचेस। जिसमें आपको अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग को फिर से आपको वही एक्सरसाइज फिर से प्रैक्टिस करनी है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी। तो इसको भी आप जितना पैरों को ऊपर लिफ्ट कर सकते उतना लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना हाथों को साइड में लेके जा सकते उतना साइड में ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहें तो आप अपने लेग्स को और अपने हैंड्स को टच करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं, उससे भी आपकी कमर पे और आपके साथ में लेग्स पे स्ट्रेच आएगा। इसको आप जितना स्पीड के साथ कर सकते उतना स्पीड के साथ करने की कोशिश कीजिएगा और ब्रीथिंग को नॉर्मल रखिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर इससे पहले की वीडियोस के आपको लिंक चाहिए तो वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उनमें भी अलग अलग एक्सरसाइज बता रखी है। जहाँ पे हम आज तो day 9 पे है, तो day 8 तक की आपकी सारी लिंक मिलेंगी। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें प्लैंक आपको इस प्रकार लगाना है, इस पोजिशन में आप जितनी देर खुद को होल्ड कर सकते उतनी देर होल्ड करना है, जिससे आपके पूरा बॉडी वेट लॉस में आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते तो जैसे कि मैंने किया है 5 से 10 seconds का गैप ले लेके होल्ड किया है, 5 seconds होल्ड कीजिए, फिर 5 सेकेंड, इस तरह आपको इसको होल्ड करना है। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
नेक्स्ट एक्सरसाइज सीटेड साइड बेंड लेफ्ट, जहाँ पे अपने आपको लेफ्ट साइड अपना बेंड होना है, इस तरह आपने हाथ को ज़मीन पर टिका लेना है और लेफ्ट साइड से आपको बेंड होना है। यहाँ पे आपकी कमर पे दोनों तरफ ही स्ट्रेच आएगा और साथ में आपकी हैंड्स जो है उन पे भी स्ट्रेच आएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके जो है यहाँ पे कमर पे स्ट्रेच नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से बेंड नहीं हुए हैं, तो इसलिए आप देखते रहिएगा कि आपकी कमर में आपको स्ट्रेच आना चाहिए और आपको फील होना चाहिए कि आपकी यहाँ पे दोनों साइड स्ट्रेच आ रहा है, खासकर जिस साइड से आपने हैंड उठा रखा है उस साइड से आपकी कमर पर ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। जितनी देर आप इसको कर सकते हैं उतनी देर कीजिए और उसके बाद आप इसको राइट साइड से करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब राइट साइड से हम इसको करेंगे। राइट साइड में भी आपको इसी प्रकार करना है कि आपकी राइट साइड में स्ट्रेच आपको फील हो। फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है कोबरा पोज, जिसमें आपको अपने हाथों को उठाकर अपनी कमर को सुंडी तक उठाना है और अपने शोल्डर्स जो है कंधों को बाहर की तरफ खोल लेना है और कमर को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना लेके गर्दन को भी उतना ही पीछे लेके जाना है। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी कमर का वज़न घटाने के लिए, आपका बेली फैट रिड्यूस करने के लिए। इस पोजीशन में आप जितनी देर खुद को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए। अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते तो फिर आप नॉर्मल रिलैक्स पोजिशन में आकर फिर से इसको कोबरा पोज को प्रैक्टिस कीजिए। 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज नहीं, ये हमारे रिलैक्सेशन के लिए है, चाइल्ड पोज। इसमें आपको दोनों पैरों को खोलकर और उनके बीच में से आपको इस प्रकार अपनी कमर को सीधा कर लेना है और आराम से लेट जाना है। इससे आपकी कमर को रिलैक्स मिलेगा और जो एक्सरसाइज से आपको पेन हुआ है वो भी आपका सही हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा, जिससे आप अगले दिन भी खुशी खुशी एक्सरसाइज और बेली फैट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाय बाय।